हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 0 डिग्री का और 180 डिग्री का और 90 डिग्री का कोण निकालने का आसान तरीका, तो इसी तरह से हम लेकर आए हैं जो टाइप 3 है हमारा घड़ी का ही, वो है हमारा आज दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का। तो चलिए चलते हैं हम अपने टाइप की ओर। तो जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है, वो जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम आपको बहुत ही इजी ट्रिक दे रहे हैं। ये ट्रिक आपको बहुत ही आसान लग रही होगी और बहुत अच्छे से आप सीख भी रहे होंगे, तो इसी हिसाब से हम कर लेते हैं आज टाइप 3। चलिए देख लेते हैं। टाइप 3 में सबसे पहले हम समझेंगे आज दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात करना। किसकी बात करेंगे? दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात करने का। तो इसमें देख लेते हैं, हम एक घड़ी बना देते हैं। हम बारह छ तीन नौ एक दो चार पाँच सात आठ दस और ग्यारह। इसमें देखा जाए तो दर्पण की बात करेंगे तो दर्पण इधर बनेगा हमारा, दर्पण हमारा इधर बनेगा। और अगर ये तो हो गया हमारा दर्पण का, और अगर जल प्रतिबिंब की बात करने लगे तो हमारा जल किधर होगा? नीचे की साइड, ये होगा हमारा जल का। तो सबसे पहले हम दर्पण की बात कर लेते हैं, जल प्रतिबिंब की हम बाद में करेंगे, इसी के बाद। तो दर्पण की बात करें, अगर देखा जाए कि जो 12 और 6 है हमारा, वो चेंज नहीं होगा। अगर दर्पण की बात करने लगे, इधर जो दर्पण बनेगा, इधर ये दर्पण जब बनेगा तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, इधर प्रतिबिंब बनेगा, तो जब हम इस वाली घड़ी में देखेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल 12 तो हमें बिल्कुल सेम नजर आएगा और 6 भी हमारा बिल्कुल सेम नजर आएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो किसी माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर ये सी है, सी को अगर दर्पण में देखा जाए तो इसका उल्टा दिखेगा, यानी इस तरह से ऐसे दिखेगा। और अगर मैं बात करने लगूं डी की, तो डी हमारा कैसे दिखेगा? इस तरह से दिखेगा बिल्कुल। तो अगर एक और बता देता हूं, जैसे मैंने ये एफ बनाया, एफ, तो अगर इसके दर्पण की बात करने लगे तो इधर कैसा नजर आएगा हमारा? इस तरह से, यानी ये तो हो गया हमारा बिल्कुल सेम वर्ड। और इधर जब प्रतिबिंब बनेगा तो इधर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर इधर 11 होगा तो इधर 11 का उल्टा बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास घंटे दिए गए हैं, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है। और इधर क्या है हमारा, इधर भी बिल्कुल 7 8 9 10 11। इसी हिसाब से अगर 11 को देखा जाए तो 11 वाली जगह जो हमारी ये घंटे वाला जो सुई होगी, मतलब ये होगी, तो इधर दिखेगी हमारी, ये वाली कहाँ दिखेगी? इधर,
ये 11 कहाँ दिखेगा? इधर। तो ये 11 की जगह क्या नजर आ रहा है हमें? एक नजर आ रहा है। 11 की जगह क्या आ रहा है हमारे पास? एक नजर आ रहा है। तो इसी तरह से समझ लेते हैं, अगर 11 बजेंगे तो एक दर्पण में दिखाई देगा, 10 बजेंगे तो दो दर्पण में दिखाई देगा, और 9 बजेंगे तो 6 दर्पण में दिखाई देगा, और अगर 8 बजेंगे तो क्या दिखाई देगा? 4 दिखाई देगा, अगर 7 बजेंगे तो 5 दिखाई देगा। तो यहां से अगर हम देखने लगे कि जो दर्पण होता है, दर्पण में अगर इनका योग करने लगे हम, तो योग कितना हो रहा है? 12। इनका भी योग कितना हो रहा है? 12। इनका भी योग कितना हो रहा है? 12। इनका भी योग कितना हो रहा है? 12। और इनका भी योग कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। जब इनका योग 12 हो रहा है, तो यहीं से हमारा क्या बन जाता है? सूत्र बन जाता है। कौन सा? 12। ये हो गया हमारा सूत्र। जब भी कोई समय पूछेगा तो हमें क्या करना है? 12 में से घटा देना है, या फिर इसको हम 1160 भी लिख सकते हैं। इसको हम 1160 भी लिख सकते हैं। और अगर ज्यादा समय दे दिया गया हो, जैसे मैं बात करने लगूं कि 17 बजे, 17 बजे दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो हम इसे 2360 में से भी कर सकते हैं। या फिर और तरीका देख सकते हैं कि 17 पर है तो 12 में 12 माइनस कर लो 17 में से, तो कितना आया? 5। तो हम इसमें से कर सकते हैं, इसमें से भी कर सकते हैं। और अगर 17 ही पूरा घटाना है तो हम इसमें से 17 माइनस कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और समझ लेते हैं थोड़ा, बहुत ही आसान तरीका है समझने का भी। ये हमारे क्या हैं? सूत्र हैं तीनों। इसी में से ही बना है, 12 बजे में से ये 1160 है, इसी के अंदर से क्या है हमारा? 2360 आया। तो अब क्या करना है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे करना है? चलिए समझ लेते हैं। टाइप चल रहा है हमारा दर्पण का, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाए और भी बच्चों का फायदा हो जाए। तो जल्दी जल्दी शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दें। तो चलिए देख लेते हैं। अगर मैं बात करने लगूं कि किसी घड़ी में 10 बजे हों, किसी घड़ी में 10 बजे हों, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा जब हमारी सुई में क्या बजे हैं? पूरे 10 बजे हैं। जो हमारी मिनट की सुई है वो तो बिल्कुल यहीं रहनी है। अब जब इसका दर्पण मैं देखूंगा, इसका जब दर्पण इधर देखूंगा, तो सुई कहां पर होगी? इसकी कहां पर होगी? इधर। सुई कहां पर होगी? इधर। जब दर्पण में देखूंगा तो सुई कहां पर होगी? इधर। सुई कहां पर होगी? इधर, क्योंकि ये 2 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 12 इधर आ जाएगा, और ये वाला हिस्सा इसका चेंज हो जाएगा, ये वाला हिस्सा इस साइड में हो जाएगा और ये वाला हिस्सा इसमें हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर 10 बजे की बात करने लगे तो जो हमारी सुई होगी वो कहाँ पर होगी? 2 पर होगी। ठीक है, अगर फॉर्मूले से निकालना चाहें तो हमारा क्या है? पूरे 12 बजे का टाइम जो सूत्र है, और टाइम हमें दिया है 10 बजे, तो अगर निकाला जाए तो क्या टाइम हो रहा होगा? 2 बजे।
ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। और अगर इजी तरीके से समझ लेते हैं, बस फॉर्मूले से इसको समझने से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो सूत्र अगर हमें याद है तो बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में घड़ी बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और कैसे करना है उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ले लेता हूँ दो चार। पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन है 8:30 पर दर्पण प्रतिबिंब, दूसरा क्वेश्चन है मेरा 11 पूरा दर्पण बताना है, तीसरा क्वेश्चन है 12:30, चौथा क्वेश्चन है मेरा 10:21 पर, और हमारा पांचवा क्वेश्चन है 2:11 2/11 का दर्पण बताना है। हमारा छठा क्वेश्चन है 6:41 6/12 इसका भी हमें दर्पण बताना है। तो हमारे 6 क्वेश्चन हो गए, तो चलिए देख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से कैसे सोल्व करेंगे हम। अगर हमारे पास 8:30 हों, हमारे पास 8:30 रहे होंगे, तो हमें क्या करना है, जो 12:00 था ये 12:00 हमें इसमें से माइनस कर देना है 8:30 को। अगर ये हमें 8 दिख रहा है, ये 30 दिख रहा है, यहाँ पर 0 है, तो हम इसमें से 1 घंटा इधर ले लेते हैं, तो हमारी कितनी मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट। तो इसको अगर लिखा जाए तो 11:60 भी हम लिख सकते हैं, जब भी तो हमारे पूरे 12 ही हैं, तो इसमें से माइनस कर देते हैं 8:30 माइनस करते हैं तो 30 तो यहाँ पर आ गया, 8 और 3 11 तो 3:30 ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। 8:30 हम माइनस कर देंगे जो कि 11:60 में से, तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका, ये क्या हो गया हमारा पहले का आंसर हो गया। अब कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को, 11:00 इसका आंसर आया हमारा 3:30 दूसरे का है हमारा 11:00 जो 11:00 होंगे तो 11:60 में से माइनस कर लेते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पर पूरे के पूरे 11:00 पूरे के पूरे 11:00 पूरे के पूरे हमारे पास क्या बज रहे हैं, 11:00 हैं, पूरी 60 मिनट है, तो 60 मिनट ये आ गई यहाँ पर, यानी 60 मिनट में क्या होता है, 1 घंटा होता है, या फिर यहाँ पर कर लो क्या, पूरे 12:00 लो, जब भी हमारा आंसर आ जाने वाला है, यहाँ पर हमारे 11:00 तो यहाँ पर क्या है हमारा 1, यहाँ पर कितना है 0, यहाँ से आ गया हमारा 1 घंटा, यहाँ पर हमारी 1 मिनट आ रही थी कितनी 60, जब भी हमारा क्या था 1 घंटा ही था, तो हमारा आंसर क्या आ गया दूसरा क्वेश्चन का, तो 1 घंटा यानी 1:00 होंगे उस टाइम, क्या बज रहे होंगे, 1:00 होंगे, ये आ गया हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 12:30 अब मैंने इसमें बताया था अगर टाइम ज्यादा हो रहा है तो 23:60 में से घटा लो, या फिर 12:00 के बाद का जो होता है 1:00 तक उसको 0 मान लो, तो क्या करना है हमें, पूरे 12:00 में से क्या कर लेना है, ये जो 12 हैं इसको क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, ये 12:30 था इसको कर लेते हैं 0, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ 11:60 कर लिया जाए तो यहाँ आ गया कितना 11:60,
यहाँ पर कितना बचा 30, यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 11। तो अगर देखा जाए तो हमारा टोटल भी कितना होना चाहिए 12। तो हमने देखा 11:30 ये कितने हो गए हमारे पूरे टोटल लगे 12। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ चुका। या फिर 23:60 में से क्या करते हैं माइनस 23:60 में से माइनस कर लेते हैं कितना 12:30। यहाँ पर कितना है हमारे पास 30 और यहाँ पर कितना आने वाला है 11। यहाँ पर कितना 11, यहाँ पर भी हमारा कितना आ गया 11:30। उससे भी आंसर आ रहा है हमारा और इससे भी क्या आंसर आ रहा है। तो इसी तरह से समझ लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन का है हमारा 11:30। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है हमारा 10:21। 10:21। अब 10:21 हुए हैं तो हमें क्या करना है 11:60 में से माइनस कर देना है। तो 11:60 में से जब माइनस करते हैं ये हो गया हमारा 10। 10 में से क्या कितना 9। यहाँ पर हो गया 5। 5 में से 3 गए 2 गए तो 3। यहाँ पर था हमारा 11। 11 में से 10 गए कितना 1। तो 1:39 ये क्या आ गया हमारा आंसर आ चुका। तो चौथे क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है 1:39 ये क्या है हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी बहुत हमारा इम्पोर्टेंट है। हमारा दूसरा भी हो चुका, तीसरा भी हो चुका और हमारा चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा 2:11 2/11 सेकेंड। 2:11 2/11 सेकेंड। अब बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन कहीं पर देखा भी नहीं होगा, हमारी बुक में भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमें कैसे करना है, मैं आपको 2-3 तरीके से बताऊंगा। जो आसान लगे, बहुत ही इजी तरीके से हम कर सके, उसका भी बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ जो ट्रिक होगी। देखिए, जब 2:11 2/11 सेकेंड हो रहे होंगे तो टाइम क्या हो रहा होगा उस टाइम पे दर्पण में, उसको देख लेते हैं। देखो, हमारा जो फॉर्मूला था वो था हमारा 11:60, लेकिन इस बार हमें क्या दे दी सेकंड दे दी। इस बार क्या दे दी सेकंड। तो इधर से 1 मिनट हम इधर पहुंचा देते हैं तो इधर कितनी होगी, इधर हो जाएगी हमारे 59 मिनट। कितनी होगी 59 मिनट। और इधर कितनी होगी हमारी 60 सेकंड, या फिर इसको पूरी मान लेते हैं 1 मिनट। ये क्या मान लेते हैं 1 मिनट। इधर क्या मान ली 1 मिनट। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए, तो 11:59 हमारी कितनी है 1 मिनट। अब इसको माइनस करना है, क्या है हमारे पास 2:11 2/11 सेकेंड। अभी हमारी क्या करनी है, माइनस करनी है इसमें से। इसमें से क्या करना है माइनस, तो कर लेते हैं इधर, थोड़ा इधर साइड में देखना। तो एक ये कर लेते हैं 2/11 और हमें कितनी माइनस करनी है 1 मिनट माइनस करनी है। तो 11 × 11 11 में से 2 गए कितने बचे 9, तो 9 हमारा कितना है 11। ये तो आ गया हमारे पास क्या यहाँ पर 9/11 सेकेंड। इसमें से माइनस कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं तो माइनस करके आ गया हमारे पास कितना 2/11 में से, तो कर देते हैं 59 में से 11 गए, यहाँ बचे हमारे पास 8, यहाँ पर बचे हमारे 4, यहाँ पर कितने बचे 9। तो हमारा जो टाइम आया है 9:48 9/11 सेकेंड, ये क्या है हमारा आंसर। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा सा पड़ रहा है, तो हम आसान तरीके से और देखते हैं। वैसे आंसर आ गया हमारा 9:48 9/11 सेकेंड, ये आ गया हमारा 5वें क्वेश्चन का। अब आसान तरीके से देखते हैं कि कैसे करना है।
2:11 2:11 ये हमारी सेकंड थी। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमने देखा कि 9:11 जो आंसर आया हमारा, जो सेकंड आई, हमने देखा कि 9:11 आया हुआ है। तो हमें क्या कर देना है, जो हमें टाइम दिया होगा ये वाला जो सेकंड दी होगी, इसमें से माइनस करने के बाद, यानी 11 में से 2 गए कितना 9, बटे कर देना है बिल्कुल 11। जो नीचे होगा वही हमें लिख देना है, यहाँ पर नीचे जो भी इसमें से भी माइनस होगा वो करने के बाद हमें लिख देना है ऊपर और बटे में कर देना है 11। बात समझ में आ गई कैसे करना है, या फिर हमें करना है क्या, 2:11 था ये वाला, हमें क्या करना है, जो नीचे दी गई है संख्या, ये वाली जो नीचे दी गई है संख्या सेकंड वाली, तो हमें सूत्र में क्या करना है, जैसे हमारे पास सूत्र ये था 11:59, ये था हमारे पास, अब यहाँ पर 1 मिनट थी, तो हमें यहाँ पे जो मिनट थी सूत्र में, हमें क्या करना है, जो हमें हमारे पास जो सेकंड दी गई होगी वाली, जो नीचे संख्या दी है उसे ऊपर नीचे करके लिख लेना है जहाँ पर हमारी सेकंड थी। तो 11:11 कर लेंगे बिल्कुल ऊपर नीचे कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या कर देना है, ये माइनस कर देना है। माइनस क्या करना है, जो 2:11 है इसमें से आपस में माइनस करना है, यहाँ पर आ जाएगा 9 और जो नीचे संख्या दी गई होगी वो हमें बिल्कुल नीचे लिख देनी है। वही बात यहाँ पर है, वही बात यहाँ पर है। तो इसी तरह से हम कर लेंगे अब क्वेश्चन को आसान तरीके से सोल्व, देख लेंगे 2-4 क्वेश्चन करा दूंगा इसी टाइम में, ताकि बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाओ तो परेशानी ना हो पाए। देखिए क्या करना है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, 2:11 2:11 हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जो नीचे दी गई संख्या है उसको ऊपर नीचे लिख लेना है या फिर इसमें से माइनस कर देना है। इस 11 में से 2 गए कितने आए हमारे पास 9, और हमारे पास कितने आए नीचे बिल्कुल 11। तो हम सूत्र में क्या कर देना है, अब हमारा जो फॉर्मूला था वो था हमारा 11:59, और यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर 1 मिनट थी जो हमारी, इसको क्या कर देनी है, या तो 11:11 कर देना है या फिर इनको माइनस करने के बाद लिख देना है। तो यहाँ पर 1 मिनट ही कर लेते हैं, या फिर हम कर देते हैं यहाँ पर 11:11। अब माइनस कर देंगे हम, क्या करना है, 2:11 हमें कितना माइनस करना है, 2:11 जब माइनस हम करेंगे तो हमें क्या कर लेना है, इनका अंतर ले लेना है कितना है 9, और जो नीचे लिखा है वो कर देना है 11। तो हम इसको माइनस कर देंगे, ये तो आ गया हमारे पास 9:11, और यहाँ से हम माइनस कर देते हैं कितना है 8, यहाँ पर कितना है हमारे पास 3, यहाँ पर कितना है हमारे पास 9। तो 48 यहाँ पर आया 9, यहाँ 8, यहाँ पर आया कितना 4, ठीक है 9:48 9:11 ये आ गया हमारा बिल्कुल आंसर। ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो छठा है 6:41 6:12 पर हमें आंसर बता देना है कि दर्पण क्या होगा, इस टाइम का दर्पण क्या होगा। तो कर लेते हैं 6:41 6:12 का हमें क्या बताना है, दर्पण बताना है। तो दर्पण कैसे बताएंगे, हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, क्या जब भी हमारे पास ऐसी वैल्यू होगी, जब भी हमारे पास ऐसी वैल्यू होगी तो हमें क्या कर देना है, इसके ऊपर नीचे क्या कर देना है, रख देना है, जो नीचे है वही ऊपर कर देना है, यानी ये सूत्र के अंदर रखना है। सूत्र क्या था हमारा 11:59, हमें ऊपर नीचे करके लिख देना है, तो 12:12। अब हमें कितना माइनस करना है, 6:41 और क्या करना है हमें, 6
बटे 12 ये हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब कर लेते हैं, अब जो इनका अंतर है कितना है, ये तो हो गया हमारे पास 12, 12 में से 6 गए तो कितना, 6 नीचे क्या कर देना है जो, तो 12। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आने वाला है हमारा, यहाँ पर बचा 8, यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर कितना बचा 5, यही क्या आया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा बन गया सूत्र, ये क्या बन गया हमारा सूत्र। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो भी हमें यहाँ पर सेकंड दी गई होगी निकालने के लिए, यहाँ पर जो भी नीचे वैल्यू दी गई होगी उसको हम ऊपर नीचे करके लिख देने हैं, लिख देना है सूत्र के अंदर, और फिर हमें इनमें से आपस में से माइनस करने के बाद लिख देना है यहाँ पर, और जो नीचे दिए गया होगा बिल्कुल वो सेम लिख देना है। ये आ गया हमारे सेकंड, और यहाँ से फिर हमें कर देना है माइनस, माइनस करने के बाद कितना है 18, अब फिर इसमें से माइनस कर देना है कितना है 5, यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट भी, जो कि 7वां क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, 5:18:06 ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और उसके बाद चलते हैं हम जल प्रतिबिंब की तरफ। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें फटाफट से, आपको पढ़ाने में बहुत ज्यादा, हम आगे भी इसी तरह से आपके लिए लेकर आएंगे नई नई ट्रिक आपके सामने, ताकि आप भी हमारा सपोर्ट कर सको। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा 6:38 क्वेश्चन नंबर 7। 6:38 2/11 इसका दर्पण बताना है, और क्वेश्चन नंबर 8 7:12 5/13 इसका भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 इसका हमें 9:54 ये हमारा 7:12:5/13 है। उसके बाद 9:54:4/17 इसका भी आंसर बताना है। उसके बाद हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 10 6:48 पर और 5/13 इसका भी हमें आंसर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, अगर जिसने क्वेश्चन नहीं किया है, जो पिछले क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं, तो इस बार पक्का समझ में आ जाने वाले हैं। तो हम बताते हैं 6:38:2/11 का आंसर क्या आएगा। तो देख लेते हैं, तो हमारे पास कितना है 6:38:2/11। हमें जब ये पता चल जाता है कि हमें यहाँ पर क्या दिया है 2/11, तो हमें क्या कर देना है, हमें फॉर्मूला में भी चेंज कर देना है। हमें क्या करना है 11:59 और हमें क्या करना है, जो नीचे दी गया है उसको ऊपर नीचे करके लिख लेना है। ये हमारा बन गया सूत्र, और हमें क्या कर देना है अब 6:38:2/11 माइनस कर देनी है। तो अब कर देते हैं माइनस, इनका अंतर करने के बाद हम लिख देते हैं 9 और नीचे क्या कर देते हैं, जो हमारे पास दिया गया वो हो गया 11। अब इसमें से माइनस किया कितना 1, यहाँ पर माइनस किया कितना 2, यहाँ पर कितना माइनस किया 5, तो 5:21:9/11 हमारा पहला आंसर आ गया। तो 5:21:9/11 ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये क्या आ गया हमारा 7वें क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका और देख लो इसी को निकालने का, जो कि वो भी आसानी है। तो कर लेते हैं क्या, इसमें देख लेते हैं, हमें बताना है 7:12:5/13
13 सेकंड का आंसर, कितना 5/13 सेकंड का आंसर है। हमारा जो सूत्र है वो है 11:59। इस बार जो नीचे था वो हम ऊपर नीचे करके लिख रहे थे सूत्र में, हमें इधर से क्या करना है, इधर पूरी एक मिनट पूछाई थी, ये हम लिख लेना है 1 मिनट, और हमें माइनस करने क्या है 7/12, 5/13, ये तो माइनस करना है। अब जो हमें माइनस ये है कि 1 मिनट, तो हमें क्या करना है, तो 1 - 5/13 हमें यही तो माइनस करना है, तो हमें पूरी पूरी मिनट लेनी है, सेकंड नहीं लेनी है, 8। तो 13 * 13 जो हमें नीचे दी गई वैल्यू है उसको लिख देना है क्या, 8/13, 8/13। उसके बाद ये माइनस कर देना है, कितना आ गया 7, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना है हमारे पास 4, तो हमारा आंसर इससे भी आ गया। तो आंसर क्या है हमारा, 4:47, 8/13 सेकंड। इससे भी आसान है और उससे भी आसान है। तो दूसरा तरीका क्या था हमारा, बिल्कुल जैसे हमने ये किया था ऐसे करके देख लेते हैं। तो 7:12, 5/13 सेकंड ये हमें क्या करना है, माइनस करना है किस में से, 11:59 जो हमारे पास क्या है टाइम है, ये 5/13 है, तो जो नीचे हमें वैल्यू दी गई है उसे ऊपर नीचे करके लिख देना है, तो 13/13 ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब क्या करना है हमें, माइनस करना है 7/12 कितना 5/13। जब हम माइनस करते हैं तो इनका और इनका अंतर लिख लेना है, क्या है 9, यहाँ पर कर देता है 9/9 क्या कर देना है 13। अब यहाँ से 59 में से 12 गए कितने 47, और हमारे पास 11 में से 7 गए कितना 4, तो ये भी क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, ये भी क्या है हमारा आंसर। तो किसी तरह से कर सकते हैं हम, अगर समझ में आ जाता है तो हम किसी भी तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आया हमारे पास 4:47, 8/13 सेकंड, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का था। तो इसी तरह से देख लेते हैं 2 क्वेश्चन और, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करना आंसर आपके, जो नहीं आ रहे हैं तो हमारे कमेंट में डाल देना, तो हम क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे। तो क्वेश्चन है हमारा 9:54, 4/17 सेकंड का आंसर क्या होने वाला है, जो कि दर्पण प्रतिबिंब में बताना है। तो देख लेते हैं, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, 11:59 हमारे पास क्या सेकंड भी दे दी, तो हमें क्या कर देना है, जो नीचे है, नीचे क्या हमारा 17, तो ऊपर नीचे करके लिख लेना है 17/17, और क्या कर देना है हमें, माइनस करना है क्या जो हमें क्वेश्चन में दिया है, तो क्या दिया 9:54 और 4/17 सेकंड हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, इसमें से माइनस कर देना है, माइनस कर देंगे, इसका और इसका अंतर ले लेते हैं, इसका और इसका अंतर कितना 13/17, ये हमें बिल्कुल सेम लिख देना है जो नीचे है, क्योंकि हर बार हम वही लिखते आ रहे हैं जो टाइम दिया गया है। तो इसी तरह से फिर 59 में से 54 माइनस किए तो कितना है 0.5, उसके बाद हमें क्या कर देना है, इसमें से माइनस करना है कितना है 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2:05, 13/17 सेकंड। ठीक है, 2:05, 17 सेकंड ये क्या आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 13/17। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत ही आसान से कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो इसी तरह से हम कर लेते हैं क्वेश्चन और, जो कि लास्ट है हमारा दर्पण का, उसके बाद कर लेंगे हम जल दर्पण जल प्रतिबिंब की बात। तो 6:48, 5/13 सेकंड इसका आंसर फटाफट से कीजिए, और अगर नहीं आ रहा है तो हम करा देंगे।
तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। और तो हमारा फॉर्मूला क्या रहने वाला है, 1159 जो हमें नीचे वैल्यू दी गई है उसको ऊपर नीचे करके लिख लेना है, 13/13 ये बन गया हमारा सूत्र। अब क्या कर देना है, माइनस कर देना है 6:48 जो हमें क्या था 5/13 माइनस कर देना है इसमें से। अब माइनस कर देते हैं तो इनका और इनका अंतर कर लेते हैं तो कितना आया 5/3 8/13 और इसमें से इसमें माइनस कर लेते हैं कितना आया 1, यहाँ पर कितना 1 और यहाँ पर कितना 5। तो 5:11:08/13 ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया जो क्वेश्चन नंबर 10 का है। तो 8:11:08/13 ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपकी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।